सेमेस्टर वन संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पार्ट फाइव। प्रश्न एक, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब भी किसी घोल या इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा गुजरती है तो यह उसे अवयवों में विघटित कर देती है। इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। प्रश्न दो, इलेक्ट्रोड क्या है? उत्तर, धातु की ऐसी प्लेट जो कि घोल में डुबोई जाती है को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एनोड तथा कैथोड। प्रश्न तीन, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? उत्तर, इलेक्ट्रोलिसिस वह विधि है जिसके द्वारा कोई भी घोल आयंस में विघटित हो जाता है। प्रश्न चार, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस संबंधित नियम क्या है? उत्तर, फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के दो नियम खोजे। एक, जमा हुए आयंस का भार उससे प्रवाहित गई विद्युत के समानुपाती होता है। दो, जब कभी भिन्न भिन्न घोलों में बराबर मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाए तो जमा अलग अलग पदार्थों की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होती है। प्रश्न पांच, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? उत्तर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वह विधि है जिसके द्वारा किसी धातु को इलेक्ट्रोलाइट में डालकर और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई है। प्रश्न छह, कॉपर प्लेटिंग के लिए कौन सा घोल दिया जाता है? उत्तर, कॉपर सल्फेट का घोल। प्रश्न सात, इलेक्ट्रोटाइपिंग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इस विधि में सर्वप्रथम लिखित सामग्री तैयार की जाती है और मोम अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस से छापा तैयार किया जाता है। इसे चालक बनाने के लिए ग्रेफाइट पाउडर लगा दिया जाता है, फिर इसे कैथोड के स्थान पर रखकर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इस प्लेटिंग से छापे की फिल्म अधिक पक्की होती है। इसके उल्टी तरफ मोल्टन मेटल भरकर इसे और अधिक मजबूत किया जाता है। यह इलेक्ट्रोब्लॉक छापे खाने में प्रयोग किया जाते हैं। प्रश्न आठ, सेल कितनी प्रकार के होते हैं? उत्तर, प्राइमरी तथा सेकेंडरी। प्रश्न नौ, प्राइमरी सेल्स के कुछ नाम बताइए। उत्तर, वोल्टिक सेल, लैप्लांची सेल, शुष्क सेल, बनुसन सेल एवं बाइक्रोमेट सेल। प्रश्न दस, सेकेंडरी सेल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा का संग्रह करते हैं। यह सेल जोड़ने के बाद एकदम धारा नहीं देता, केवल चार्ज होने पर ही धारा देता है। इसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न 11, बैटरी क्या है? उत्तर, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। प्रश्न 12, यह कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है? उत्तर, सख्त रबर या विट्यूमेन कंपाउंड का। प्रश्न 13, क्या सेपरेटरों का प्रयोग करना आवश्यक है? उत्तर हाँ, पॉजिटिव तथा नेगेटिव प्लेट्स को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए। प्रश्न 14, सेल की चार्ज और डिस्चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी क्या होती है? उत्तर, चार्ज अवस्था में 1280 तथा डिस्चार्ज अवस्था में 1180 होती है। प्रश्न 15, इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? उत्तर, हाइड्रोमीटर।